हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे अबाउट हेल्थ एंग्जाइटी। और आज थोड़ी सी बात करते हैं अबाउट आवर बॉडी, बिकॉज़ हेल्थ एंग्जाइटी में एक ये चीज़ हमेशा होती है हमारे साथ कि हम अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, एंड हमें लगता है कि हमारी बॉडी प्रोन है बीमारियों के लिए और ऑल दोज थिंग्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये चीज़ समझें कि हमारी बॉडी एक ऐसी मैकेनिज्म है जो बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में सक्षम होती है। उसके लिए जो मैंने करा था आपको भी करना चाहिए। आई थिंक यू हैव टू बी वेरी एक्टिव, और आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, या फिर आप थोड़ी सी जॉगिंग कर लो, रनिंग कर लो, या योगा ही कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो। सो यू हैव टू एक्ट, आपको चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेंगी। और इन चीज़ों से ही आपकी बॉडी पे आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है कि आपको लगता नहीं हमारी बॉडी इतनी सही काम कर रही है कि आई विल फाइट इट आउट अगर ऐसा कुछ होता भी है तो। बट एट द फर्स्ट प्लेस आई थिंक यू हैव टू रियली एक्ट, और अगर आप सिर्फ आइडल बैठे रहेंगे तो चीज़ें कभी भी अच्छी नहीं हो पाएंगी। तो यू हैव टू डू थिंग्स, और प्लीज़ अगर हो सके तो आज से ही आप थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर दीजिए, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो नो जॉगिंग, स्ट्रेचिंग, योगा, वॉट एवर यू कैन डू, प्लीज़ आज से स्टार्ट कीजिए। और इससे क्या होता है, इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका बॉडी भी ट्रस्ट बनता है, दूसरा ये होता है कि आपकी बॉडी ना थोड़ी सी हैप्पी हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है, तो उससे आप थोड़ा सा कम टेंस्ड महसूस करते हो। मैं चाहता हूँ आप दो तीन लोगों को पढ़ो या उनको सुनो, इससे आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। पहला नाम है ऑब्वियसली युवराज सिंह। युवराज सिंह इज़ अ वेरी बिग इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, कि जिस वो हार्डशिप से गुजरे हैं वर्ल्ड कप के बाद जो उनके साथ हुआ, एंड उसके बाद ही केम आउट ऑफ दैट, एंड फिर ही प्लेड फॉर इंडिया अगेन, और फिर उन्हें बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी। सो आप उनको पढ़ो, उनकी किताब है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो मैंने पढ़ी है, बहुत बेहतरीन किताब है। उसके बाद डेविड गॉगिंस का अगर आपने नाम सुना हो तो ही इज़ आर्गुएबली द टफेस्ट मैन अलाइव राइट नाउ। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने करीबन 50 किलो के करीब करीब अपना बॉडी वेट लूज़ किया था कुछ महीनों के अंदर, एंड देन ही वेंट ऑन टू बिकम नेवी सील, और यू नो ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैराथन रनर्स ऑफ दिस एरा। डेविड गॉगिंस, युवराज सिंह, आर्मस्ट्रॉन्ग जो साइकिलिस्ट हैं उनको पढ़ो, उनके बारे में पढ़ो, और यू नो दीज आर द इंस्पिरेशंस दैट यू रियली वॉन्ट राइट नाउ। और इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि ह्यूमन बॉडी कितनी ज़्यादा ट्रायम्फ करने के लिए केपेबल है। मांझी एक मूवी है, आप मांझी अगर आपने देखा हो तो उन्होंने एक सिंगल इंसान ने पूरा पहाड़ काट के उसको रोड में कन्वर्ट कर दिया था। तो बहुत सारी ऐसी इंस्पिरेशंस मिलने लायक स्टोरीज होती हैं कि आपकी बॉडी बहुत कमाल कर सकती है अगर आपका माइंड सही जगह फोकस हो। सो प्लीज़ ये बात पे ध्यान दीजिए कि आपकी बॉडी बहुत कुछ कर सकती है, एंड प्लीज़ 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 डू नॉट फॉलो द ट्रैप कि आप को कोई बीमारी होने वाली है, बिकॉज़ ऐसा नहीं होने वाला। 99.9% जिनको हेल्थ एंग्जाइटी होती है वो उन्हें कभी भी वो बीमारी नहीं होती जिनका उन्हें डर होता है। सो प्लीज़ आप ये समझिए कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ी सी अभी गड़बड़ चल रही है, और वो भी ठीक हो जाएगी अगर आपने प्रैक्टिस करा, मेडिटेशन करा। एक पैटर्न को आपको तोड़ना होता है हेल्थ एंग्जाइटी में कि आप किस तरह के जो आप सोचते हो वो आपको उस पैटर्न को आप किस तरह से चेंज कर सकते हो, जो मैंने करा था और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। आप मेडिटेशन करो, डेली चैंट करो कि आई एम हेल्दी, परफेक्टली हेल्दी, और थोड़े से खुद को बिज़ी रखो और अपनी बॉडी भी ट्रस्ट करो, बिकॉज़ आपकी बॉडी बहुत कमाल की है। जब आप पहली बार रन करोगे और फिर जब नेक्स्ट डे करोगे, फिर आप उसके नेक्स्ट डे करोगे, एक एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। उसके साथ साथ आपका एक बॉडी के साथ एक आपका पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड होगा कि नहीं यार मेरी बॉडी भी अच्छा काम करने लायक है, और मुझे अगर बीमारी होती भी तो ये मुझे बचा लेगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी बॉडी को समझो, प्लीज़ 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 डोंट फॉल इन द ट्रैप कि भाई मेरे को हेल्थ एंग्जाइटी है तो मैं ये नहीं कर सकता, या मैं ये नहीं कर सकती। आप सब कुछ कर सकते हो। अभी 2 साल हो गए हैं मुझे पहली बार वो वीडियो जो मैंने बनाया था, और अभी 2 साल होने वाले हैं, एंड आई एम परफेक्टली फाइन, और मुझे अभी कोई एपिसोड नहीं हुआ है हेल्थ एंग्जाइटी का, और आई एम डूइंग गुड इन लाइफ। और आप भी ये कर सकते हो। प्लीज़ दो तीन चीज़ें जो मैं आपको फिर से रिमाइंड कर दूँ कि गूगल पे आप चीज़ों को तलाशना बंद कर दो, जैसे कि सिम्टम्स हो गए या फिर ये बीमारियाँ क्यों होती हैं। सेकेंडली, अपने आप को मिरर के सामने चेक करना बंद कर दो कि
तीसरी चीज़ ये सोचना बंद कर दो कि आप कोई भी ये चीज़ें हो सकती है, बिकॉज आपके फैमिली मेम्बर में किसी को हुआ था या फिर आपके जानने वाले में किसी को हुआ था, तो ये चीज़ें किसी को भी हो सकती है, ऑब्वियसली ये ट्रूथ है, लेकिन बस इसका इसके डर के साथ जीना फिर तो दुनिया बिल्कुल भी चल नहीं पाएगी, फिर हर इंसान इसके लिए आप सोच सकता कि मैं भी प्रोन हूँ इस बीमारी से। सो प्लीज़ 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 कीप योरसेल्फ बिज़ी और थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाइए आप फिज़िकली आज से, और अपने आप को बिज़ी रखिए और अपना जो भी आपका लाइफ में गोल है उसको अचीव कीजिए। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल और ये सब बहुत आसान है, ट्रस्ट मी, जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करते हो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, तो प्लीज़ एक्शन लो एंड अपनी बॉडी पर ट्रस्ट करो, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, यू नो इट इज़ वर्किंग परफेक्टली टाइम पे, सो टाइम पे खाना खाओ, पानी बहुत ज़्यादा पियो एंड ऑल द बेस्ट और कीप डूइंग योर बेस्ट, और लाइफ आगे बहुत कमाल की है, जस्ट एक्सपीरियंस एवरी डे एट इट्स ग्रैंडेस्ट बेस्ट। थैंक यू।